एक जैसे हो, सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, बिहेवियर एक जैसे हो, देखने में एक जैसे हो, ठीक है, ये शुद्ध रूप है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं, उसे हम एलिमेंट का नाम देते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब इन तत्वों की अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, तो इन एलिमेंट्स को हम दो हिस्सों में हमने बांटा, दो हिस्सों में हमने बांट दिया, इसका वर्गीकरण हमने किया, इसका क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण करने के बाद हमने इनको दो वर्गों में बांटा। अब सवाल ये उठता है कि कितने तत्व अभी तक पाए गए हैं, कितने तत्व पाए गए हैं, 118 एलिमेंट्स, ठीक है ना, पृथ्वी पर मौजूद तत्वों की संख्या 118 है, टोटल कुल एलिमेंट्स की संख्या जो कितनी है, 118 एलिमेंट्स है आज के टाइम में प्रेजेंट, ठीक है ना। अब इन एलिमेंट्स को अगर हमने दो हिस्सों में बांट दिया, तो पहला जो है हमने उसे बांटा मेटल्स में, मेटल्स यानी कि धातु, ठीक है, और दूसरा तत्व जो है उसे हमने किसमें बांट दिया, हमने उसे बांट दिया नॉन मेटल्स में, ठीक है ना, नॉन मेटल्स यानी कि अधातु, एक धातु है और दूसरा क्या है, अधातु है, ठीक है। एक और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करते हैं जिसे हम लोग मेटलॉइड का नाम देते हैं, ठीक है, लेकिन अभी यह मान के चलिए कि सारे हम दो ही हिस्से में बांटेंगे, एक है मेटल और दूसरा क्या है आपका नॉन मेटल, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी पर मौजूद जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स जो है अर्थ क्रस्ट में, मतलब पृथ्वी में मौजूद है, उसका सबसे अधिकतम कौन सा तत्व माना जाता है, तो 7% 7% जो है श्रेय जाता है किसका, जाता है एल्यूमिनियम को, ठीक है ना, एल्यूमिनियम लगभग 7% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ओके। अब उसके बाद दूसरा, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा अगर हम बात करते हैं तो 7% के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है 4% वो है आपका आयरन, ठीक है। तो इन ये तत्वों की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं या फिर हम आयरन की बात करते हैं, तो 7 व 4%, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली ये जो है एलिमेंट्स जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद अगर सबसे ज्यादा अगर तत्व की बात करें तो वो जो है आपका कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम के अलावा जो है आपका सोडियम मिलता है, ठीक है, सोडियम के अलावा जो है आपका पोटेशियम, ठीक है, क्रमशः कम होते जाते हैं, ठीक है, इनकी संख्या बहुत कम होती जाती है। इसके बाद फिर क्या होता है, मैग्नीशियम। तो आप ये श्रृंखला देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर मैग्नीशियम। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्व। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में सोडियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे रक्त में सोडियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम लेते भी हैं अक्सर, चीनी पानी का घोल बना के पी लिया या इलेक्ट्रोलाइट मार्केट से खरीद के पी लिया, तो वहां पर सोडियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। या जो आप नमक खाते हो ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, उसमें भी सोडियम होता है, सोडियम की जरूरत है हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा तत्व जो है वो एल्युमिनियम 7%, और एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा उपयोग ही आज हम लोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हल्का होता है, जितनी भी सीट वगैरह जो है जहाजें बनानी होती हैं उनमें एल्युमिनियम का खासा उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेटल्स, ठीक है ना, धातु। मेटल्स के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे, इनके प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, मेटल्स के गुणों के बारे में थोड़ा बहुत हम समझेंगे, ठीक है ना, मेटल्स के गुण क्या है, इन गुणों को थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहली बात, मेटल्स जो है, मेटल्स के गुणों के बारे में सबसे पहली बात ये कही जाती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब ये है कि जो धातु होते हैं ना, धातु, वह विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है ना, कुचालक नहीं होते, ये सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनके अंदर विद्युत का प्रवाह करना चाहोगे ना, तो धातुओं के अंदर विद्युत का प्रवाह बड़ी आसानी से हो जाता है। अगर वही अधातु की बात करें हम, नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता, यानी विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। अगर हीट की हम बात करें, उष्मा की हम बात करते हैं, तो हीट यानी उष्मा का भी प्रभाव बहुत अच्छा हो जाता है मेटल्स में। देखिए, घर में बर्तन जो होता है, आप किसी भी घर में खाना बनाते हो तो बर्तन के लिए आप क्या करते हो, खाना बनाते हो तो पलटे का यूज करते हो, तो पलटे का एक सिरा अगर आपने कढ़ाई में डाला या गर्म किया है, तो उसके पीछे का दूसरा सिरा भी जब गर्म हो जाता है जलने लगता है, यानी आप हाथ से छूओगे तो छूने के तरफ आपका हाथ भी जलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमने एक किनारे जो है उष्मा को क्या किया था, दिया था, लेकिन उस उष्मा का प्रवाह हुआ दूसरे सिरे तक, दूसरे किनारे तक,
तो यहां पर मैं यह कह सकता हूं कि ऊष्मा का प्रवाह जो है एक धातु करता है लेकिन अधातु नहीं करता। अब लकड़ी की बात कर लीजिए, एक किनारे आप लकड़ी से आग क्या करते हो, भड़काते हो लकड़ी से, तो किनारा अगर गर्म होता है तो उधर ही जलता है, अब तो दूसरे सिरे आप जिधर से पकड़े हो वो नहीं जलता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह अधातु में नहीं होता है लेकिन धातुओं में बहुत अच्छा होता है। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत व ऊष्मा का प्रवाह जो है धातुओं में बहुत अच्छी तरीके से होता है, यानी ये सुचालक होता है। ठीक है, इसके बाद जितने भी मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे कहते हैं आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय। ठीक है ना, ये आघात वर्धनीय क्या होता है, तो मेटल्स आर मैलिएबल एंड इसी में एक शब्द और होता है जिसे हम लोग कहते हैं डक्टाइल। ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं नमनीय। ठीक है, जितने भी धातु होते हैं वो मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, यानी आघात वर्धनीय होते हैं और नमनीय होते हैं। इनका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई धातु है, एक मेटल है, ठीक है, और इस धातु को अगर आप हथौड़े से पीटना चाहोगे तो पीटोगे, पीटने के बाद क्या हो जाएगा, ये चिपटा हो जाएगा। ठीक है ना, चिपटा हो जाएगा, सीट में बदल जाएगा, यानी चादर में बदल जाएगा। इस गुण को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं या आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है ना, किसी भी धातु को पीटने पर वो अक्सर टूटता नहीं है बल्कि वो चिपटा हो जाता है, पतला हो जाता है, चादर में बदल जाता है। ठीक है ना, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसे कि मेटल्स और मैलिएबल इन नेचर, मतलब जितने भी मेटल्स यानी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, आघात वर्धनीय है। दे कैन बी बीटन इनटू थिन सीट, उनको पतले चादर में पीट के बदला जा सकता है। तो डक्टाइल क्या होता है, नमनीय क्या होता है। इसके बाद एक दूसरा गुण इसमें यह है कि जितनी भी धातुएं होते हैं उन धातुओं को आप क्या कर सकते हो, आप उन्हें खींच कर लंबा कर सकते हो। ठीक है ना, तार में बदला जा सकता है। ठीक है ना, सबसे पहली बात हमने क्या कहा, दे कैन बी बीटन इन टू थिन सीट, पतले चादर में पीट के बदला जा सकता है। और उसके बाद हमने क्या कहा कि दे आर डक्टाइल इन नेचर, वो क्या होते हैं, नमनीय होते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इन टू लॉन्ग वायर, ठीक है ना, उनको पतले लंबे तार में खींच के बदला जा सकता है। तो एक तो पीट के आप चादर बना सकते हो, दूसरा आप खींच के उसे क्या कर सकते हो, लंबा बना सकते हो। डक्टाइल इन नेचर होते हैं, नमनीय होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आपसे यहीं पर बात पूछें, क्वेश्चन अगर यहाँ पर आपसे पूछेगा मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी से, ठीक है, उसमें आपसे ये पूछेगा कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसे सबसे ज्यादा खींच के तार में लंबा किया जा सकता है। ठीक है ना, कौन सा ऐसा मेटल है, ठीक है, जो आप उसे तार खींच के अगर लंबा करना चाहो तो बड़ी आसानी से सबसे ज्यादा लंबा हो सकता है या सबसे ज्यादा पतला हो सकता है। तो आप उसमें याद रखिएगा गोल्ड। ठीक है ना, गोल्ड यानी सोना। सोना जो होता है, आप देखो सोने की जो आभूषण बनते हैं ना वो कितने हल्के होते हैं और कोई भी आकार दे एकदम पतला पतला बना देते हैं। कई बार तो ये होता है कि सोने के चादर खोल भी आती है, इतना पतला खोल आता है ना, वो मिठाइयों के ऊपर भी चिपका देते हैं। पहले कहा भी जाता था कि सोने चांदी जो है बर्तनों में लोग राजा महाराजा खाते थे, इसलिए क्योंकि उससे शक्ति मिलती है। आपको डाबर वाला जो च्यवनप्राश जो आता है, सोना चांदी दे तेज दिमाग और बुद्धि वाला, उसमें भी क्या होता है, सोना का भस्म जो है डाला जाता है। तो अभी देखिए रदरफोर्ड का मॉडल जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो रदरफोर्ड का मॉडल जो था, जब उस पर एक्सपेरिमेंट कराए थे एटम्स और का पता लगाने के लिए, ठीक है ना, एटम और न्यूक्लियस के बारे में जो पता लगाने के लिए उन्होंने, जब वहां पर जिस मेटल का यूज किया था वो मेटल भी सोना ही था, क्योंकि सोना बहुत पतला था, 10^-6 मीटर पतला जो है उन्होंने सोना लिया था, एकदम पतला चादर लिया था, एकदम खोल लिया था, और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट कराया था, रेज गिराए थे, जिससे हमें पता था कि न्यूक्लियस है यानी नाभिक कैसे, नाभिक का आकार कैसा होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बहुत सारी बातें हमें पता चला था। तो यहाँ पर गोल्ड की बात अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा धातु है जिसे सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता है और खींच के तार में बदल के लंबा किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा चलते हैं कि मेटल जो है वो चमकदार होता है, शाइनिंग होता है। ठीक है ना, शाइनिंग होता है यानी कि चमकदार होता है, जिसे हम इंग्लिश में एक वर्ड है उसे हम यूज करते हैं, हम कहते हैं लस्ट्रस। ठीक है ना, लस्टरस नहीं होता, ये लस्ट्रस होता है। ठीक है, लस्ट्रस होता है। अब यहाँ पर लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, शाइनी यानी कि चमकदार। ठीक है ना, किसी भी धातु की अगर हम बात करें मेटल की, तो आप मेटल को देखोगे तो आपको पहले पहचान में ये आ जाएगा देखते ही, क्योंकि वो धातु जो है वो चमकदार होगा। अब लकड़ी को देख लो तो लकड़ी चमकदार नहीं है, आप ग्रेफाइट को देख लो ग्रेफाइट चमकदार नहीं है, कोयला देख लो वो चमकदार नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसी मेटल का, आप एल्यूमिनियम ले लो एकदम फ्रेश एल्यूमिनियम कटा हुआ तुरंत का, देखो कितना चमकता है। ठीक है, आप कॉपर ले लो, ठीक है, फ्रेश एकदम कटा हुआ। आप आयरन ले लो, आयरन कहते हो नहीं ले रहे, वो तो धुतला दिखता है, तो आप उसे तुरंत रेडी से काटो, काटने के बाद देखो कितना चमकदार दिखता है। तो मेटल की एक खास बात है, खास बात ये है कि वो बहुत ही ज्यादा लस्ट्रस होता है यानी कि चमकदार होता है। ठीक है,
इसके साथ साथ और क्या होता है मेटल के बारे में? मेटल के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वो सोनरस होता है। सोनरस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप उस पे किसी वस्तु से उसकी पिटाई करोगे ना, जब हैमरिंग करोगे, तो हैमरिंग करोगे तो उससे आवाज निकलेगा। अब जैसे लोहे के घर में बर्तन है, खाली खाली को लेकर पीटो आवाज निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरे लकड़ी को ले लो तो लकड़ी को पीटो, दीवार को पीटो, तो क्या उतना आवाज आता है? नहीं आता है। अब जैसे देखो इसी प्रॉपर्टी, इसी गुड़ का उपयोग करके हम लोग घंटी बनाते हैं। मंदिर का जो घंटा होता है वो मेटल का होता है। अब लकड़ी का घंटा क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि मेटल का जो घंटा है अगर आप उसको पीटोगे तो पीटोगे तो आवाज बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। क्योंकि ये सोनरस होता है, सोनरस होता है, रिंगिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जब बजता है तो बहुत अच्छी आवाज आती है, ठीक है। अगर इसके कुछ उदाहरण की हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल्स मेटल्स में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के, जिसमें हो सकता है कि आयरन, आयरन के बाद है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के अलावा जो है कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है, चांदी जिसे हम लोग कहते हैं, गोल्ड है, गोल्ड के बाद जो है प्लेटिनम है। ये सब क्या है? ये सब मेटल्स हैं, लेकिन ये सब धातु हैं, ठीक है। जिंक की बात कर लो, टीन की बात कर लो, ठीक है, जिंक, टीन, लेड की बात कर लो, ये सब क्या है? ये सब मेटल्स हैं, ठीक है। तो अभी और थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले ये तो हो गई आपकी भौतिक गुण, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऊपर में देखने में कैसा लगता है, आवाज करता है, ठीक है, लंबा तार में खींचा जा सकता है, सीट में बदला जा सकता है, ये सब बाहरी चीजें थी, भौतिक गुण थे इसके। अब इसके रासायनिक गुण की अगर हम बात करते हैं, किसी भी मेटल के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, ठीक है ना, रिएक्शन के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसका क्या बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज इसे हम कहते हैं रासायनिक गुण, ठीक है, लिखिएगा इसे रासायनिक गुण। अब यहाँ पर अगर हम मेटल्स की बात करें तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। देखिए एक शब्द है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हिंदी में इसे कहते हैं धन विद्युती, ठीक है ना। धन विद्युती कहने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो आवेश आता है ना, इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो धन वाला चार्ज होता है, धन यानी प्लस वाला चार्ज होता है, ये धन विद्युती होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ, मैं बात करता हूँ सोडियम की। सोडियम एक मेटल है कि नहीं है इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले ये देखो कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 11। अगर इस 11 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग अक्षों में, अलग अलग ऑर्बिट्स में बांटा जाए, तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे वाले में जो बचा होगा वो ये आएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहाँ पर एक धातु है तो धातु के सबसे अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब ये स्टेबल होगा, स्थिर होगा, लेकिन यहाँ पर 8 तो है नहीं, इसके पास 1 है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन के पास स्टेबल होने के लिए इसको 7 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है ना। अब किसी और से ये 7 इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नहीं ले सकता है, क्योंकि ये लेने जाएगा तो इसका ही कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बोलेगा कि तुम ये काम करो, 7 लेने के बजाय तुम 1 दे दो और देने के बाद अपने इनर ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स पे स्टेबल हो जाओ। ये भी एक ऑप्शन है, ये बाहरी वाला हो जाएगा, इसमें इनर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, तो स्टेबल हो जाओ। यहाँ पर ये करता क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स लेता नहीं है, बदले में 1 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, जब भी कोई धातु 1 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देता है तो उसके ऊपर धन आवेश आता है। 1 देगा तो 1 धन, 2 देगा तो 2 धन, 3 देगा तो 3 धन, ऐसे आवेश आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेटल की, तो सोडियम के ऊपर 1 धन आया है, तो सोडियम के ऊपर अगर धन आया है तो ये धन विद्युती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक धातु है। कोई भी ऐसा तत्व जिसके ऊपर धन आ जाए तो उसे हम धन विद्युतीय इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, और ये मुख्यतः आपको मेटल्स में ही देखने को मिलता है, धातुओं में ही देखने को मिलता है, और धातु में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम दूसरा कोई एक एलिमेंट ले लें, मान लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ आता है, तो मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम के ऊपर भी 2+ आते हैं, तो कैल्शियम भी क्या है, एक मेटल है। अगर एल्युमिनियम की हम बात करें तो एल्युमिनियम जो है इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 3+ आते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये दे देता है, तो ये क्या है, ये भी एक मेटल है, ये भी एक धन विद्युती है, ठीक है ना। तो मेटल्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, यानी धातुओं के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो धातुओं की सबसे बड़ी पहचान ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता नहीं है बल्कि देता है, और इलेक्ट्रॉन्स को देने की वजह से जो आवेश अगर उस तत्व के ऊपर आता है वो हमेशा धन होता है, और धन हमेशा किसके ऊपर आता है, मेटल्स पे आता है, धातुओं पे आता है। इस बात को याद करेंगे, अगर यही नॉन मेटल होता ना यानी अधातु होता तो इसके ऊपर प्लस नहीं आता किसी भी सूरत में, इसके ऊपर हमेशा माइनस आता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 17, तो पहले वाली कक्षा में 2, दूसरे वाली कक्षा में 8, तो तीसरे वाले में जो बचेगा वो होगा, तो 10 तो रख दिया, बचा कितना 7, 17 हो गए, यानी कि अंतिम कक्षा में है आपके 7। अब यहाँ पर अंतिम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है तो ये क्या करेगा, 8 पूरा करने के लिए इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 7 किसी को देगा नहीं बल्कि क्या कर लेगा, एक ले लेगा। तो यहाँ पर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन वो बाहर से क्या करता है, ले लेता है। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, जब लेता है तो माइनस, जब देता है तो प्लस, यानी कि क्लोरीन के ऊपर अगर माइनस आया है, धन विद्युति नहीं है, ये है आपका ऋण विद्युति, तो ऋण विद्युति है यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसे हम नॉन मेटल्स कहेंगे, ये नॉन मेटल है यानी अधातु है, ये धातु नहीं है, ये क्या है, अधातु है। तो रासायनिक अगर हम गुणों की बात कर रहे थे यहाँ पर, अगर किसी भी धातु की हम बात कर रहे हैं तो रिएक्शन के दौरान धातुओं पर सदैव धन आवेश आता है, प्लस चार्ज आता है, ठीक है ना। अब जैसे एक्सेप्शन भी है यहाँ पर, एक्सेप्शन क्या है कि देखिए हाइड्रोजन की अगर हम जब बात करते हैं ना, हाइड्रोजन एक क्या है, गैस है, हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन एक अधातु है, नॉन मेटल है, ठीक है ना, नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल यानी अधातु होने के बावजूद, अधातु पे तो माइनस आना चाहिए था लेकिन हाइड्रोजन पे प्लस आता है, तो आप इस बात को याद रखिएगा, ये एक क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है, कि नॉन मेटल होने के बावजूद इस पे प्लस आता है, आना चाहिए था माइनस लेकिन आता है ये प्लस। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, तो पीरियोडिक टेबल जो है उस पीरियोडिक टेबल में अगर हम यहाँ पर ये श्रेणी अगर देखें तो इधर सारे नॉन मेटल भरे पड़े हैं, बीच वाले जो होते हैं वो सारे हैवी मेटल हैं, ये सारे मेटल हैं, और इधर बात करें तो ये लाइट मेटल्स हैं, ये भी मेटल ही है। यानी कहने का मतलब कि एक पीरियोडिक टेबल को अगर देखा जाए, पीरियोडिक चार्ट में मेटल्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है, नॉन मेटल्स की संख्या कम होती है, क्योंकि अधिकतर SPDF चार ब्लॉक होते हैं ना, उसमें अधिकतर ब्लॉक्स जो हैं वो धातुओं को दिया गया है, अधातु बहुत ही कम होते हैं। कितने अधातु होते हैं, हम यह कह सकते हैं कि नॉन मेटल सिर्फ 22 होते हैं, ठीक है ना, नॉन मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, सिर्फ 22 नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। अब अगर इन 22 नॉन मेटल्स की हम बात करें तो जिसमें से 10 नॉन मेटल अधातु ऐसे होते हैं जो ठोस होते हैं, ठीक है ना, 22 में से 10 जो है वो क्या है, आपके ठोस हैं, ठीक है। एक की अगर हम बात करें, सिर्फ एक की, जिसे हम कहते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो ठोस नहीं है, गैस है, ठीक है ना, ब्रोमीन क्या है आपका, गैस है, ठीक है, सॉरी ब्रोमीन वेपर भी आता है तो आप इसे गैस कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो यूजुअली मैं स्पीक कर देता हूँ, लिक्विड होता है, LIQUID, यहाँ पर जो है ब्रोमीन वो क्या है, लिक्विड है, यानी कि 22 में से 10 जो था ठोस था, एक जो था क्या, लिक्विड था, और बाकी के कितने बच गए, तो बाकी के 11 बच गए, वो 11 जो है वो क्या है, गैसियस रूप में है, गैस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 22 मैंने आपको नॉन मेटल्स बताया कि पूरे 118 तत्वों में से 22 ऐसे तत्व हैं जो कि अधातु हैं, जिनमें से 10 ठोस है, एक जो है तरल है, और बाकी के 11 जो है क्या है, गैस है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ रहा सभी को, आवाज नहीं आ रही किसी की, चलिए आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा अधातु की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स यानी अधातु की हम बात करते हैं, ये ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये कैसे तत्व होते हैं जो ऊष्मा व विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है ना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं,
यानी कि अगर आप इसमें से विद्युत का प्रवाह कराने की कोशिश करोगे ना तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, अगर उष्मा का प्रवाह कराने की कोशिश करोगे तो उष्मा का भी प्रवाह नहीं होगा। यानी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने इसके बाद क्या पढ़ा था, हमने आघात वर्धनीयता या आघात वर्धनीय हमने मैलिएबल के बारे में हम लोग पढ़े थे। मैलिएबल के बारे में क्या कहा जाता है, मैलिएबल के बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी तत्व को पीटा जाए और वो चादर में बदल जाए तो हम उसे आघात वर्धनीयता या आघात वर्धनीय गुण कहते हैं। लेकिन अगर वही हम नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं, यानी अधातु की बात करते हैं, तो नॉन मेटल में अगर आप किसी भी वस्तु को पीटोगे ना तो पीटने के बाद वो चादर में नहीं बदलेगा बल्कि टूट जाएगा। जैसे अगर हम चौक की बात करते हैं ना, चौक है आपके पास, चौक को हथौड़े से मारो तो हथौड़े से मारने के बाद वो चादर में नहीं बदलता है बल्कि वो टूट जाता है, ठीक है ना। तो ना ही ये आघात वर्धनीय होता है यानी कि मैलेबल होता है, ना ही ये नमनीय होता है यानी कि डक्टाइल होता है। इन दोनों में से कुछ नहीं होता है। अगर आप इसे पकड़ के खींचोगे तो ये तार में नहीं बदलेगा, ये लंबा नहीं होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर आप इसे पकड़ के खींचोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसके बाद अगर इसकी अपियरेंस की बात करें, देखने में कैसा होता है, धातु जो है वो सदैव हमेशा सदैव क्या होते थे, चमकीले होते थे, और धातु हमेशा क्या होते हैं, भद्दे दिखते हैं बड़े, ठीक है ना, भद्दे यानी डल, ठीक है। इनका रंग जो है देखने में कैसा होता है, डल अपियरेंस होता है, ठीक है ना। अमूमन ये हमेशा नरम होते हैं यानी कि सॉफ्ट होते हैं, अक्सर अगर हम इनकी बात करें तो ये सॉफ्ट होंगे, ठीक है, स्ट्रांग नहीं होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर दूसरी बात इसकी बात करें, जो सोनोरस हम लोगों ने पढ़ा था, सोनोरस का मतलब क्या था, ये पीटने पे आवाज आता है, साउंड आता है, ठीक है ना, तो ये सोनोरस भी नहीं होते हैं, ये नॉन सोनोरस होते हैं, लेकिन अगर पीटोगे तो आवाज नहीं आएगा, ठीक है ना, पीटने पे आवाज नहीं आता, इसीलिए हम इनका उपयोग जो है वो रिंगिंग बेल के तौर पर नहीं यूज करते हैं। मेटल्स को ही हमेशा हम क्या करते हैं, रिंगिंग बेल की तरह भी यूज करते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल्स हम बात करें नॉन मेटल के, तो उसमें आप एग्जाम्पल्स ले लीजिए कार्बन, ठीक है ना, कार्बन के बाद फिर क्या होगा, सल्फर, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस, उसके बाद फिर क्या होगा, फॉस्फोरस के अलावा जो है सिलिकॉन, सिलिकॉन के अलावा हम क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन गैस जो मैंने आपको बताया था, हालांकि हाइड्रोजन का हमेशा धन आवेश आता है, ऋण नहीं आता है। इसके बाद क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, जिसके भी मारा मारी है, ठीक है, ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन के बाद फिर क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, अभी जो लोग गार्गल यूज कर रहे हैं ना, बेटाडीन, गले को साफ करने के लिए बेटाडीन, गार्गल में आयोडीन होता है, कीटाणुओं को मारता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है, आयोडीन, हीलियम, हीलियम भी एक गैस है, ठीक है, नियॉन आर्गन भी गैस ही है, नियॉन एंड आर्गन, ये सब क्या है, ये सब अधातु हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है, कार्बन दो रूपों में आपको मिलता है, ठीक है, और वैसे तो तीन रूप में मिलता है, मैं तीनों लिख देता हूँ, लेकिन दो मुख्य हैं, एक है आपका ग्रेफाइट, ठीक है, एक जो है आपका क्या है, डायमंड, ठीक है, और उसके बाद एक आता है C60, जिसे हम लोग कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। तो ये कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन तीन रूपों में पाया जाता है, ग्रेफाइट, डायमंड, C60 यानी बकमिंस्टर फ्लोरीन। C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में अगर बहुत ज्यादा रिसर्च अभी नहीं हुआ है तो इसे सवाल जो है नहीं आते हैं। 60 कार्बन का ये समूह होता है, ठीक है, अभी इस पर रिसर्च अभी भी चल ही रहा है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है उसके बारे में अच्छी खासी ज्ञान लोगों को है अभी। ग्रेफाइट जो है, देखिए अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है, कहा जाता है कि नॉन मेटल जो है उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट में विद्युत का प्रवाह होता है, तो ग्रेफाइट एक तरह का एक्सेप्शन है, नॉन मेटल यानी अधातु होने के बावजूद इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। डायमंड नॉन मेटल में ये कहा जाता है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल अपीयरेंस होते हैं, भद्दे होते हैं, चमकदार नहीं होते हैं, लेकिन अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, तो ये दोनों एक्सेप्शन है, ठीक है ना, एक्सेप्शन है। पहली बात ये, ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद विद्युत का प्रवाह कराता है, डायमंड अधातु होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा चमकदार और शाइनी होता है, ठीक है। चलिए तो अभी हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके रासायनिक गुण की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, किसकी, अधातुओं की। अधातुओं का रासायनिक गुण क्या होता है? सबसे पहली बात कि रासायनिक गुण पर जाने से पहले आपको ये पता होना कि अधातु की पहचान क्या है रासायनिक तौर पर, केमिकली तौर पर। तो अगर हम नॉन मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, तो नॉन मेटल्स जितने भी अधातु होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये मैंने अभी आपको एक इससे पहले एग्जाम्पल दे के बताया, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब ये कि ये ऋण विद्युती होते हैं, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर अगर कभी भी कोई आवेश आता है तो वो आवेश कैसा होता है, ऋण का होता है, माइनस का होता है, नेगेटिव चार्जेस के ऊपर आता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ इस तरह से समझिए कि मैंने आपको एक क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया था। क्लोरीन जो है उसके ऊपर क्या था, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स थे तो पहले वाले में 2 रखा, दूसरे ऑर्बिट में 8 रखा और तीसरे ऑर्बिट में कितना रखेंगे, फिर 7। तो 7 बाहरी कक्षा में है ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है ना। 7 को देगा नहीं क्योंकि इसको 8 ही चाहिए, सिर्फ 1 को ले लेगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है यानी कि प्राप्त करता है, तो उसके ऊपर आवेश ऋण आता है। 1 लेगा तो 1 माइनस आएगा, 2 ले लेगा तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा। अब क्लोरीन के बाद अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम तो मेटल था, मैग्नीशियम नहीं लेंगे हम, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो 8 होती है। तो पहले कक्षा में क्या होगा, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरी कक्षा में जो बचा हुआ वो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 8 होने के लिए इसको 2 की जरूरत है। तो जब ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करेगा तो इसके ऊपर 2 ऋण आवेश आ जाएंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर 2 ऋण आवेश आ जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा 2 माइनस होता है, क्लोरीन के ऊपर हमेशा क्या होता है, 1 माइनस होता है, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर बात करें तो 1 माइनस होगा, ब्रोमीन के ऊपर बात करें तो 1 माइनस होता है, ठीक है। आयोडीन के ऊपर भी 1 माइनस ही होता है। तो ये सब जो है वो क्या है, नॉन मेटल्स है, सारे अधातु हैं। अधातुओं के ऊपर सदैव हमेशा ऋण विद्युती आवेश ही आता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज ही आता है अक्सर, ठीक है ना, अक्सर नहीं हमेशा, सिर्फ एक को छोड़ के, हाइड्रोजन जो कि एक एक्सेप्शन था जिसके ऊपर एक प्लस चार्ज आता है। और इसको रखते भी जो है हम लोग इधर मेटल्स की तरफ रखते हैं, पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो इसे हम लोगों ने ग्रुप फर्स्ट में रखा है, पहले ग्रुप में, और पहले ग्रुप में सारे जो है वो क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह जितने भी हैं सब, वो सब क्या है, सब जो है पहले ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये जो है इसमें हाइड्रोजन को छोड़, हाइड्रोजन जो है जो कि एक नॉन मेटल है, इसमें माइनस आना चाहिए था, इस पर क्या आता है, प्लस आता है, इसलिए हम लोगों ने मेटल्स की तरफ इसको रख दिया है। लेकिन अगर वही पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जो हाइड्रोजन का जो पहला वाला बॉक्स है ना, वो बॉक्स चिपका नहीं होता, वो अलग होता है और इसके अंदर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जो हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है भले ही इसे हमने फर्स्ट ग्रुप में रखा है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में रखने के बावजूद जो है ये धातु नहीं है, ये क्या है, अधातु है, इसीलिए हम इसके डब्बे को थोड़ा सा अलग रखते हैं पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत, बताइए किसी को कोई परेशानी, चलिए। अब यहां पर पृथ्वी के क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक अगर हम बात करें कि कौन सा तत्व मिलता है, तो उन तत्वों में ऑक्सीजन की बात आप कर लीजिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है वो लगभग 50% अर्थ क्रस्ट में आपको पाया जाता है, ठीक है, 50%। तो दूसरा फिर क्या पाया जाएगा, तो दूसरा जो है वो है आपका सिलिकॉन, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्या था, ऑक्सीजन, दूसरा क्या है आपका, फिर सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है वो क्या है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सिलिकॉन के बाद फिर क्या मिलेगा आपको, तो फिर आपको मिलेगा फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस के बाद फिर क्या मिल जाता है आपका, सल्फर। ये सर्वाधिक पाए जाने वाले कुछ अधातुओं का नाम है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ये क्रम से गिरते जा रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद फिर क्या मिल रहा है आपको, सल्फर। ये कुछ 4 तत्व ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा हूँ, मतलब ये सबसे सर्वाधिक की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं तीनों को मिलाकर बात कर रहा हूँ, मतलब कि समुद्र लेके ले लो आप, जल ले लो, ठीक है, स्थल ले लो, या फिर आप आकाश ले लो, हर तरफ का मैं मिला के बात कर रहा हूँ कि सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस और फिर सल्फर आपका पाया जाता है, ठीक है। अब अगर गुड़ों की हम बात करें, तो गुड़ों में हम लोगों ने क्या देखा, गुड़ों में हम लोगों ने ये देखा कि जितने भी धातु थे उन सारे धातुओं का जो गुड़ है वो अधातुओं के एकदम विपरीत है, विपरीत यानी कि अपोजिट है, ठीक है ना।
कहने का मतलब कि जो धातु है वो विद्युत का चालक है तो अधातु नहीं है, ठीक है। धातु जो है वो मजबूत होता है तो अधातु मजबूत नहीं होता है। धातु को जो है मैलिएबल यानी कि अघात वर्धनीय है, पकड़ के उसको पीट देंगे तो सीट में बदल जाएगा। नॉन मेटल यानी अधातु को पकड़ के पीट दोगे तो फिर वो टूट जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो जितने भी गुण की हम बात करें, जितनी भी प्रॉपर्टीज की हम बात करें, वो सारे प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल्स के क्या है, उल्टे हैं, अपोजिट हैं, किसमें, नॉन मेटल्स में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम कुछ एक्सेप्शन की बात करेंगे जहां से सवाल उठता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम मेटल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण की हम बात करें तो सबसे पहले जो है मेटल्स जो है उसमें हम बात कर रहे थे किसका, मैलेबिलिटी यानी अघात वर्धनीयता, ठीक है ना। यानी कि चादर में बदल सकते हैं। अब सबसे ज्यादा मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, सबसे ज्यादा मैलिएबल तत्वों का नाम क्या है, तो इसमें लिखिएगा गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी, ठीक है। गोल्ड का क्या होगा सिंबल, चिन्ह AU, ठीक है, और सिल्वर का क्या होता है AZ, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कई बार ये होता है कि ऑप्शंस में नाम ना लिख के आपको सिर्फ सिंबल्स देता है, तो सिंबल्स में आप याद रखिएगा गोल्ड को यू कहते हैं और सिल्वर को एजी कहते हैं, ठीक है। और क्या होगा इसके बाद, इसके बाद जो है आपका अल्मोनियम, इसके बाद जो है अल्मोनियम। अब देखिएगा अल्मोनियम जो है सस्ता भी है, बहुत ज्यादा मौजूद भी है पृथ्वी के क्रस्ट में, तो अल्मोनियम का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। देखिए जैसे घर में खाना वाना पैक करना होता है हम किसका यूज करते हैं, अल्मोनियम के चादर का यूज करते हैं। अल्मोनियम फॉयल का डब्बा लेके आते हैं, उसमें भोजन को पैक कर देते हैं और पैक करने के बाद आप कहीं भी ले जाना हो तो ले जाते हैं, अल्मोनियम का उपयोग किया जाता है। गोल्ड और सिल्वर का नहीं यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत महंगे हैं, ठीक है। तो अल्मोनियम का यूज किया जाता है, अल्मोनियम का यूज करके हम बिस्किट को पैक करते हैं, हम चॉकलेट्स को पैक करते हैं, हम दवाओं को भी पैक करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि सिगरेट के डब्बे होते हैं ना, वहां पर भी हमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक कि आप ऐसे समझिए कि जो दूध रखने वाला जो डब्बा होता है ना, जो टेट्रा पैक जो आता है, वो जो पैक है वो भी क्या होता है, अल्मोनियम का ही बना हुआ होता है अंदर से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो कॉपर, ठीक है। कॉपर जो अभी मार्केट में जो है तार जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, किसका तार यूज किया जाता है, तो मार्केट में सबसे ज्यादा तार जो है वो अल्मोनियम और कॉपर का ही यूज होता है। अब मार्केट में जाइए तार खरीदने के लिए, तो आपको जो तार मिलेगा वो अल्मोनियम का ही मिलेगा या तो कॉपर का ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि यही एक नमनीयता के गुण रखते हैं जिनको खींचने पर ये लंबे हो जाते हैं, ठीक है, तार में बदला जा सकता है। इसमें कॉपर का कुछ अच्छा बिहेवियर व्यवहार होता है, जबकि अल्मोनियम उससे थोड़ा सा कम व्यवहार का होता है, ठीक उतना नहीं होता है, कॉपर अच्छा होता है, ठीक है। कॉपर से भी अच्छा होता है सिल्वर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छा कंडक्ट करता है, बिजली का प्रभाव इसमें बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब सिल्वर आप नहीं दौड़ा सकते, सिल्वर के वायरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सिल्वर क्या है, एक तो कम अमाउंट में मौजूद है और बहुत महंगा है। सिल्वर का यूज हम नहीं करते, सिल्वर की जगह पर हम कॉपर का यूज करते हैं या तो फिर हम अल्मोनियम का यूज करते हैं तारों में, ठीक है। कॉपर का यूज देखिए, कॉपर जो है बिजली का बहुत ही अच्छा प्रवाह कराता है, इसलिए हम लोग कॉपर को तार के तौर पर यूज करते हैं। कॉपर के बर्तन भी होते हैं, ठीक है ना। कॉपर के बर्तन क्यों उपयोग किए जाते हैं, कॉपर के बर्तन इसलिए उपयोग किए जाते हैं क्योंकि ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये उष्मा के भी सुचालक होते हैं, उष्मा यानी हीट के भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो इसीलिए जो काफी बर्तन जो होते हैं वो कॉपर के बर्तन होते हैं, ठीक है ना। कॉपर के बर्तन होते हैं इसलिए क्योंकि उष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हीट का भी गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है हम आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे बढ़िया सुचालक उष्मा का कौन होता है, सबसे बढ़िया सुचालक जो है, आप इसमें कॉपर मत नाम लिखिएगा, आप इसमें लिखिएगा सिल्वर, ठीक है ना। सिल्वर जो है वो सबसे बढ़िया सुचालक होता है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी उष्मा और विद्युत के बहुत ही अच्छे सुचालक होते हैं, कौन, सिल्वर, ठीक है ना। हालांकि महंगा होता है तो ज्यादा हम यूज नहीं करते इसका, लेकिन भाई इसका गुड़ तो है, ठीक है। तो इसके बाद अगर कॉपर का आप नाम लेना चाहें तो इसके बाद आप कॉपर का नाम ले सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का होता है सिल्वर। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है ना, हु इज द बेस्ट कंडक्टर, हु नहीं, व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो होगा आपका सिल्वर, सिल्वर यानी कि चांदी, ठीक है।
तो सवाल ये उठता है कि सबसे कूचालक मेटल्स में सबसे कूचालक कौन होता है ऊष्मा का, सबसे बेकार किस्म का। जैसे मेटल तो सारे अच्छे ही होते हैं ऊष्मा के लिए, लेकिन सबसे बेकार किस्म का कौन होता है, सबसे बेकार। तो उसमें आप लिखिएगा लेड, ठीक है ना, जिसका सिंबल होता है पीबी, ठीक है ना। ये ऊष्मा का क्या होता है, कूचालक होता है, सबसे घटिया किस्म का चालक ये होता है। उतनी ज्यादा तेजी से गर्म ही नहीं होता, काफी देर तक गर्म करो तब जाके थोड़ा सा गर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे कूचालक, अगर हम ऊष्मा की बात करते हैं तो उसमें लेड आता है, जिसका सिंबल जो है क्या होता है, पीबी होता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम मेटल्स की बात कर रहे थे तो मेटल्स में हमने ये कहा कि सबसे बढ़िया सुचालक जो है विद्युत का, विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक कौन है, सिल्वर ही है। तो सबसे बेकार कौन है कुचालक, विद्युत का सुचालक जो है वो कौन था, सिल्वर। तो कुचालक कौन होगा, तो आप इसमें लिखिएगा पारा, पारा यानी कि मरकरी, ठीक है ना। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg, ठीक है। तो जो पारा होता है ना यानी मरकरी होता है, वो विद्युत का बहुत ही मतलब कुचालक होता है, उतना अच्छा चालक नहीं है, सबसे घटिया किस्म का चालक है। आप उसमें बिजली दौड़ाने की कोशिश करोगे तो पारा में उतनी अच्छी बिजली की प्रवाह नहीं होती है, ये कुचालक होता है। इसीलिए मरकरी को क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। और सुचालक कौन होगा, सिल्वर होगा, ठीक है ना। मरकरी के बाद क्या आता है, सिल्वर आता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सबसे बढ़िया चमकदार जो है, अगर कोई एक ऐसा धातु है जो बहुत बढ़िया चमक उसमें होती है, लस्ट्रस, तो सबसे बढ़िया चमक किसमें होती है, आपको पता ही है, सोना और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर। एक कारण यह भी है आभूषण बनाने का, ठीक है ना। चांदी और सिल्वर की अगर बात करें, ठीक है ना, चांदी और सिल्वर जो है ना ये बहुत ही ज्यादा चमकदार होती है, एक ऐसे धातु होते हैं बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, सब धातुओं में सबसे ज्यादा चमकदार ही होते हैं। इसीलिए इनकी चमक की वजह से हम इस सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं, हाईली लस्ट्रस होते हैं, बहुत ही ज्यादा चमकदार ये होते हैं, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा, कुछ समय तक जो है आप सोना चांदी मार्केट से खरीद के लाओ तो उसमें बड़ा चमकता है, बहुत चमकदार होता है, लेकिन अगर आप कुछ समय इसे आप रख देते हो या पहन लेते हो तो पहनने के बाद इसकी चमक जो है फीकी पड़ जाती है, ये धीरे धीरे क्या इसकी चमक खत्म होने लगती है। तो अगर सवाल अगर यह आ जाता है कि सोने को कुछ समय तक रखने के बाद या पहनने के बाद उसकी चमक जो है खत्म हो जाती है, तो चमक खत्म होने का कारण क्या है, देखिए वास्तव में उसकी चमक तो है, अभी भी है, वो बस खत्म नहीं हुआ, वो छुप गया है। क्यों छुप गया है, क्योंकि उस सोने के ऊपर एक नई परत चढ़ गई है। अब सवाल आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा परत है जो सोने के ऊपर काफी लंबे समय रखने के बाद चढ़ जाता है, जिसकी वजह से सोने की चमक फीकी पड़ जाती है। याद रखिएगा, सोने के ऊपर एक पतली परत जो है, पतली परत चढ़ जाती है, उस पतली परत, किसकी पतली परत होती है, ऑक्साइड की, है ना। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, या तो कार्बोनेट की परत भी चढ़ जाती है, ठीक है। CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, कार्बोनेट की परत उसके ऊपर चढ़ा देगा, या फिर सल्फाइड की परत जो है उसके ऊपर क्या होती है, चढ़ जाती है। ये तीन परत जो है सोने के ऊपर चढ़ जाती है, ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड, तीनों में से कोई भी परत अगर उसके ऊपर अगर बन जाएगा तो बनने की वजह से सोने की चमक जो है वो फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि ये तीनों नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बोनेट, सल्फाइड ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं, और अधातु चमक वैसे ही नहीं होती है। तो अगर धातु के ऊपर अधातु चढ़ जाए तो उसकी चमक तो वैसे ही खत्म हो जानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी धातुओं की क्या थी, ये हार्ड होता है ना, मेटल जो है हार्ड होता है। अब सवाल ये है कि मेटल हार्ड होता है ये तो हमको पता है, लेकिन कौन सा ऐसा मेटल है जो सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, नरम धातु जिसे हम लोग कहते हैं, इतना सॉफ्ट हो कि चाकू उठाओ तो चाकू से कट जाए, ठीक है ना। तो सॉफ्ट की अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा धातु है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है यानी नरम होता है, तो उसमें नाम आता है Na and K, सिंबल है Na को हम कहते हैं सोडियम, ठीक है ना। सोडियम धातु जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा नरम होता है, ठीक है ना, चाकू से काटोगे तो आसानी से कट जाएगा। के का मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है ना। पोटेशियम धातु जो है ये भी क्या होता है, नरम होता है, आप इसे चाकू से काटोगे तो बड़ी आसानी से ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं पोटेशियम, ठीक है।
तो सोडियम और पोटेशियम जो क्या है, ये नरम धातु है जिनको आप कोशिश करोगे चाकू से काटने के लिए तो आप इसे टुकड़ों में बड़ी आसानी से काट सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगली बात, अगली प्रॉपर्टी क्या कही जाती है? अगली प्रॉपर्टी ये कही जाती है कि जितने भी धातु होते हैं वो सारे ठोस होते हैं। धातु, धातुओं के बारे में ही पढ़ रहे हैं। धातु जो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है ना, सही बात है। आयरन ले लो, ठोस है। ठीक है, यहाँ देखिए सोडियम की बात करो, नरम था फिर भी क्या था, ठोस था। पोटेशियम की बात करो, नरम था लेकिन फिर भी क्या था, ठोस था, सॉलिड था। लेकिन कुछ ऐसे धातु होते हैं, कुछ नहीं सिर्फ एक ऐसा धातु होता है जो ठोस नहीं होता है, जो तरल रूप में मिलता है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो धातु होने के बावजूद तरल रूप में पाया जाता है। तरल रूप में पाया जाता है पारा। ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे पारा यानी कि मर्करी जो है। ठीक है, मर्करी, मर्करी क्या होता है आपका, लिक्विड होता है। ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है, HG होता है। ओके, चलिए अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि मेटल्स जो होते हैं, जितने भी धातु होते हैं इनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, है ना, इनका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है ना, मेटल्स की अगर हम बात करें तो देखिए मेटल्स पॉइंट, तो जितने भी मेटल है ना उनका गलनांक बिंदु व क्वथनांक बिंदु, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, गलनांक बिंदु व क्वथनांक बिंदु जो है जितने भी धातु होते हैं उनके बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। हाई होते हैं यानी उच्च होते हैं। ठीक है ना, ज्यादा तापमान पर ये पिघलते हैं, उच्च होते हैं। अगर आप इनको पिघलाना चाहते हो तो ज्यादा तापमान आप इनको देना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं आयरन, Fe, Fe क्या है, आयरन का सिंबल है। अगर आयरन की हम बात करें तो आयरन को पिघलाने के लिए लगभग आपको 1535 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देना होगा, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लगता है। ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जब आती है तो हम उबलने लगते हैं, हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन जो है, आयरन का गलनांक बिंदु यानी कि पिघलाना अगर आप उसे चाहते हो तो लगभग 1535 डिग्री सेंटीग्रेड आप उसको तापमान देना चाहे पड़ेगा। ठीक है ना, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड देने के बाद वो क्या करेगा, पिघलेगा। अगर वही हम कॉपर की बात करें, कॉपर का सिंबल CU लिखते हैं, CuPPER। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर का गलनांक बिंदु कितना है, तो वो है आपका 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। 1083 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन जो है, अपवाद जिसे हम लोग कहते हैं, एक्सेप्शन मतलब मेटल होने के बावजूद उसका जो तापमान है पिघलाने का मेल्टिंग पॉइंट, जो गलनांक बिंदु है या क्वथनांक बिंदु है, वो कम होता है। जैसे उसमें अगर हम बात करें किसका, तो उसमें हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है ना, सोडियम क्या था, एक ऐसा धातु था जिसे आप बड़ी आसानी से चाकू से काट देते थे। सोडियम अगर पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम का साइन होता है Na, लिखते कैसे हैं, SODIUM। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना है, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट है 98 डिग्री सेंटीग्रेड। सिर्फ 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम पिघल जाता है। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का कितना है, 98 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम को क्या कहते हैं, पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। ठीक है, तो पोटेशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है मात्र 64 डिग्री सेंटीग्रेड, 64 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पिघल जाता है। ठीक है ना, कुछ मेटल्स को ऐसे होते हैं कि उनकी गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट इतनी कम होती है कि आप अपने हाथ में लोगे तो पिघल जाएंगे, ऐसे ठोस होंगे। और जैसे ही आपके हाथ में लिया ना, हाथ में लेने के बाद पिघल गए। हाथ में लेने पर क्यों पिघल गए, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान जो है 36 से 37 डिग्री के बीच में लाइक करता है, और ये जो है 36 से 37 डिग्री से भी कम तापमान में पिघल जाते हैं। जैसे आप अपने हाथ पे लिया ना, तो हाथ की गर्मी से वो पिघल जाते हैं। अब जैसे वो कौन से ऐसे धातु हैं जो इतने कम तापमान पे पिघल जाते हैं, तो उनमें हम बात करते हैं सबसे पहले है गैलियम की। एक है गैलियम और दूसरा है आपका गैलियम के बाद सीजियम। तो गैलियम और सीजियम की हम बात करें तो गैलियम जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाता है। ठीक है, और आपका जो है सीजियम वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाता है। ठीक है, अब समझ लीजिए हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था और ये 30 पे ही पिघल जाता है, तो हाथ में लोगों तो पिघल ही जाएगा। 7 डिग्री सेंटीग्रेड इसको अधिक ही मिल गया, तो जल्दी से पिघलेगा। सीजियम भी क्या करेगा, जल्दी से पिघल जाएगा। तो ये गैलियम और सीजियम जो है ये इतने मतलब कम तापमान पे पिघल जाते हैं जितनी हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर भी नहीं है। ठीक है, तुरंत हमारे हाथ पे लेने से ही ये पिघल जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दसवां बिंदु जो है
हम धातु के बारे में पढ़ रहे हैं, धातु जो है इसकी डेंसिटी हाई होती है, हाई डेंसिटी, ठीक है ना। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व। हाई मतलब उच्च, ठीक है ना, उच्च घनत्व इनका होता है। मतलब डेंसिटी नॉर्मल भाषा में अगर आप समझना चाहो डेंसिटी क्या होता है, तो कोई भी वस्तु कितना घना है ये हमें उसकी डेंसिटी पता चल बताता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि पानी ज्यादा घना है कि लोहा ज्यादा घना है, तो नॉर्मल तौर पे लोहा ज्यादा घना है, लोहा की डेंसिटी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी कम है। क्यों? क्योंकि अगर आप हाथ फिराना चाहो पानी के अंदर, तो पानी के अंदर हाथ बड़ी आसानी से फिरा लेते हो। मैं कहूँ कि लोहे के अंदर हाथ आर पार करके निकाल लो, निकाल लो नहीं, क्योंकि वो ज्यादा घना है। तो यहाँ पर उच्च घनत्व जो है मेटल्स के होते हैं, जितने भी धातु होते हैं उनके घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं, ठीक है ना। अधातुओं में उच्च नहीं होते, नीचे घनत्व होता है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर उच्च घनत्व की हम बात कर रहे हैं, तो किस धातु का कितना घनत्व होता है, सबसे उच्च किसका होता है? तो यहाँ पर अगर आयरन की बात करें, आयरन, आयरन का घनत्व जो है वो कितना होता है, तो आप इसमें लिखिएगा 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि एक ऐसा जगह जिसमें 1 सेंटीमीटर जो है लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर जो है वो जगह क्या है, ऊंचा है, ठीक है। एक ऐसा जगह है जिसमें 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बक्सा है छोटा सा, ठीक है। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाली जगह में अगर आप आयरन को पूरा भर दोगे ना, पूरा पूरा आयरन भर दोगे, तो उसमें आएगा 7.8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम जो है वो क्या आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। ये उसका क्या बता रहा है, घनत्व बता रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम जो है क्या है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है, अपवाद, यहाँ पर भी कुछ अपवाद है, और बात हम अपवादों की ही कर रहे हैं क्योंकि अपवाद से ही ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं अक्सर। अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें अपवादों में, तो उसमें जो है आपके सोडियम और पोटेशियम की बात करें, जो कि अक्सर हम लोग पढ़ रहे हैं सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये धातु तो हैं लेकिन इनके पास धातुओं के बहुत सारे गुण नहीं है। तो अगर हम सोडियम की बात करें कि सोडियम का डेंसिटी कितना है, सोडियम का घनत्व कितना है, तो सोडियम का घनत्व आप लिख लीजिए 0.97 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले स्थान पर यह सिर्फ 0.97 ग्राम ही इसमें द्रव्यमान आएगा। अगर इसी के अलावा अगर हम पोटेशियम की बात करें, तो पोटेशियम तो और भी कम है, 0.86 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सिर्फ इतना ही उसका घनत्व होता है। तो धातु होने के बावजूद जो है इसका घनत्व बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए हम इन दोनों को लाइट मेटल्स कहते हैं। लाइट मतलब हल्के, ठीक है ना, हल्के धातु, ठीक है ना, इन्हें हम हल्के धातु के तौर पर जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर जो है अब एक और थोड़ा सा आगे बात पढ़ लेते हैं। इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि रंग, कलर, देखिए मेटल्स के कलर क्या होते हैं। तो यूजुअली जितने भी मेटल्स आपने देखे हैं ना, उन मेटल्स के कलर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर कॉपर की बात करें, कॉपर लाल रंग का दिखता है, ठीक है ना, कॉपर जो है क्या है, लाल रंग का दिखता है। कॉपर के जितने भी बर्तन होते हैं वो लाल दिखते हैं, तो आप इसे क्या कह सकते हो, रेडिश, ठीक है। कॉपर जो है क्या है, लाल रंग का दिखता है। अगर गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड को क्या कहा जाता है, पीला धातु कहा जाता है। तो गोल्ड का रंग कैसा होता है, येलो होता है। अगर हम सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर जो है क्या होता है, सफेद, यानी कि व्हाइट। इसके अलावा मैक्सिमम मेटल्स की अगर हम बात करें, तो सारे होते हैं भूरे, यानी कि ग्रे, ठीक है ना। बाकी के जितने धातु होते हैं उसमें मुख्यतः सारे क्या होते हैं, ग्रे होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। सिर्फ अलग किसका है, कॉपर का, गोल्ड का और सिल्वर का। बाकी मैक्सिमम जो क्या होंगे, आपको भूरे रंग के यानी ग्रे कलर के आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इतने सारे मेटल्स हमने देखे, मेटल्स के सारे भौतिक गुण हमने देखे, अब जरा एक बार नॉन मेटल्स के गुण हम देख लेते हैं, यानी कि अधातुओं के। तो नॉन मेटल्स के गुण में सबसे पहली बात क्या थी नॉन मेटल की, वो ये थी कि मेटल्स जो है ना आघात वर्धनीय होता है, ना ही नमनीय होता है, ना ही मैलिएबल होता है, ना ही डक्टाइल होता है। पकड़ के पीटोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और जब ये टूट जाएगा तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रिटलनेस, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई एक ऐसा तत्व जिसे पीटने पे वो टूट जाए, तो उसे हम ब्रिटल या ब्रिटलनेस कहते हैं, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात ये कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो विद्युत व उष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, कुचालक होते हैं,
इसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है जिससे सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का प्रवाह अच्छा खासा कर लेता है, तो जिसे हम कहते हैं ग्रेफाइट, ठीक है ना। और ये बात मैं अभी पहले बताया था, ग्रेफाइट और डायमंड, डायमंड शाइनी होता है, चमकदार होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेफाइट सुचालक कैसे होता है, तो यहाँ पर आप यह कहेंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ठीक है ना, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो क्या करेगा, वो दौड़ेगा, और दौड़ेगा तो अपने साथ साथ इलेक्ट्रॉन के ऊपर लेके दौड़ेगा आवेश, ठीक है ना, और आवेशों के बहने की वजह से ही विद्युत उत्पन्न होता है। तो ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी दूसरे अधातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो विद्युत के सुचालक नहीं होते, वो कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट एक सुचालक है, ठीक है, ये एक अपवाद है, अधातु होने के बावजूद भी क्या है, ये एक अपवाद है, ठीक है। चलिए आगे जो है, आगे हम बात करें तो जितने भी अधातु होते हैं वो चमकदार नहीं होते, नॉट शाइनी, चमकदार नहीं होते हैं। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है, तो याद रखिएगा भले ही शाइनी नहीं होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसे हम लोग कहते हैं आयोडीन, ठीक है ना, बहुत ही शाइनी होता है, बहुत ही चमकदार होता है, ठीक है ना। सारे अधातु जो है वो चमकदार नहीं होते, भद्दे रंग के होते हैं, डल होते हैं, लेकिन अगर हम आयोडीन की बात करते हैं, आयोडीन जो क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, इनका अपीयरेंस, इनका देखने का जो देखने में ये काफी लस्ट्रस होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, शाइनी सरफेस, जैसे धातु चमकता है ना वैसे ही आयोडीन भी चमकता है, हालांकि ये धातु नहीं है, एक छलावा है, ये एक नॉर्मल अधातु है, ठीक है। चौथी बात हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मेटल्स जो है वो कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, कठोर होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कठोर नहीं होते, नरम होते हैं। क्या सारे नॉन मेटल्स नरम होते हैं, नहीं, इसमें एक है डायमंड, ठीक है ना, डायमंड एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल होने के बावजूद ये नर्म नहीं होता है, दुनिया का सबसे कठोरतम वस्तुओं में इसका जिक्र किया जाता है, सबसे कठोर होता है, ठीक है ना। तो डायमंड भी क्या है, अपवाद है, डायमंड भी क्या है, अपवाद है, जो दुनिया के सबसे कठोरतम वस्तुओं में इसको जाना जाता है, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ठीक है ना। कई बार लोग तर्क करते हैं तो उसमें कहते हैं कि ग्राफीन जो है, ग्राफीन दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, लेकिन हम ग्राफीन का इसका श्रेय नहीं दे रहे हैं, हम इसको श्रेय जो है, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है या कठोरतम वस्तु कौन सा है, प्राकृतिक की अगर जिक्र करता है या नेचुरल सब्सटेंस की बात करता है, तो आप वहां पर हमेशा डायमंड की बात करना, हीरा की बात करना, ना कि ग्राफीन की आप बात करेंगे, ठीक है। पांचवी बात, मेटल्स तो सारे ठोस होते थे, सिर्फ एक तरल होता था जो कि था मर्करी। अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो है 22 होते ही है, और उसमें आपको लिखवाया ही गया था, ठीक है, 10, 1 और 11 वाला, 10 जो है क्या होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है, 1 जो है आपका क्या होता है, तरल होता है, तरल सिर्फ एक ही है, ब्रोमीन, इस बात को आप याद रखेंगे, जो तरल रूप में मिलता है, बाकी 11 जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैस होते हैं, ठीक है ना, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, ये सब गैस है, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है, ये गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, क्लोरीन जो है वो भी गैसीयस रूप में ही आपको मिलता है, ठीक है, क्लोरीन भी क्या है, गैस है। आगे चलते हैं, नॉन मेटल्स की बात कर रहे थे हम, अधातु की, ठीक है, इसकी गलनांक बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, जो गलनांक बिंदु है, पिघलने की जो पॉइंट है, कहाँ तो कितने तापमान देने पर पिघल जाएगा, तो गलनांक बिंदु की अगर हम बात करें तो जितने भी अधातु होते हैं, अधातु के गलनांक बिंदु जो है वो कम होते हैं, उच्च नहीं होते हैं, निम्न होते हैं, ठीक है ना। अब निम्न होते हैं तो किसके कितने होते हैं, तो अब जैसे यूजुअली देखिए सबके कम होते हैं, अब जैसे यहाँ पर हीरे की हम बात कर रहे थे, हीरा बहुत ज्यादा था, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड जो था उसका तापमान देने पर पिघलेगा, लेकिन इतने नहीं होते मेटल्स के, सबके कम होते हैं। अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर सिर्फ 115 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे क्या हो जाता है, पिघल जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें भी अपवाद है, इसमें भी एक्सेप्शन है, ठीक है ना, इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है इसमें, कि सब जो है अधातु वो कम ताप पे पिघल जाते हैं, इनकी गलनांक बिंदु कम होती है, लेकिन डायमंड यानी हीरा की अगर हम बात करेंगे तो हीरा जो है वो बहुत ही ज्यादा तापमान देने पर पिघलता है, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये मतलब आप लोहे से डबल कह दीजिए, 1535 था लोहे का, इसका कितना है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलेगा। अधातु होने के बावजूद जो है इसका गलनांक बिंदु जो है बहुत ही ज्यादा उच्च है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, तापमान है,
अगर हम बात करें घनत्व की, ठीक है ना, यानी डेंसिटी की, तो घनत्व की बात करें तो डेंसिटी जो है वो क्या होती है, निम्न होती है। और धातु की डेंसिटी क्या होती है, निम्न होती है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर सल्फर की हम बात करें, ठीक है ना, अब जैसे लोहा था, लोहा जो कितना था, 7 ग्राम था, 7 दशमलव कुछ था। अब यहाँ पर अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है इसका घनत्व कितना होगा, ये होगा सिर्फ मात्र 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले स्थान में मात्र 2 ग्राम सल्फर ही आता है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु जरा देखते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके अलग अलग रंग हो सकते हैं। ठीक है, मेटल्स जो है उनके ढेर सारे रंग नहीं थे, कॉपर लाल था, सिल्वर सफेद था, गोल्ड पीला धातु था, बाकी सब भूरे थे। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, अगर अलग अलग रंग आपको ढेर सारे मिल रहे हैं ना, तब समझ लो कि वो नॉन मेटल्स है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें सल्फर की, ठीक है ना, सल्फर का रंग क्या होता है, पीला येलो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस की बात करते हैं तो इसका रंग जो है या तो सफेद हो सकता है या तो इसका रंग लाल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट का रंग कैसा होता है, काला ब्लैक। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, येलोइश ग्रीन, यानी कि हल्का सा पीला रंग झांकता हुआ आपको हरे कलर का वो दिखेगा, येलोइश ग्रीन होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ इसमें ऐसे नॉन मेटल्स भी हैं जिनका रंग ही नहीं होता, जैसे हाइड्रोजन रंगहीन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये क्या है आपका, रंगहीन। ये दोनों क्या है आपका, रंगहीन है, कलरलेस है। ठीक है, ये क्या है आपका, कलरलेस है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हमने देख लिए, सारी वस्तुएं हमने देख ली है। आज का जो टॉपिक है वो एलिमेंट्स और नॉन मेटल्स, जिसके अंदर मेटल है नॉन मेटल हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा, जैसे जहां से अधिकतर सवाल उठाए जाते हैं वो सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो PSS वाले क्लास में आप अपना डाउट जो है शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भी अगर आपको कोई डाउट हो तो अपने सवाल जो है वहां पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, ओके। अब सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप करें, नहीं वो उनकी चलेगी ना, मैथ वाले सर की। ओके ठीक, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर।